खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां किसानों को आम, अमरूद, बेर, केला, बेल आदि फसलों की जानकारी जनपद के कृषकों के द्वारा एक गोष्ठी सम्मेलन में दी गई। आपको बता दें कि जनपद में लगभग 79,600 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हरी सब्जियों की खेती की जा रही है, जिसमें 15,920 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ की फसल लौकी, तुरई, करेला, भिंडी, खीरा तथा 39,800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रवि की फसलें फूलगोभी, गाजर, मेथी, धनिया, मटर, शलजम इत्यादि की खेती की जा रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में हमारे यहाँ 3 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसमें सबसे पहले हमने सुदूरवर्ती विकासखंड भियाँ का चयन किया और दूसरा विकासखंड टांडा, क्योंकि ये हमारे विगत वर्षों से अछूते रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में गोष्ठी के आयोजन से। तो मैंने इन दोनों जन विकासखंड का चयन किया और इस योजना का उद्देश्य हमारा कृषकों के मध्य अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। मेरे यहाँ जो राष्ट्रीय 3 योजनाएं चलती हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बाहुल्य हेतु विकास हेतु औद्यानिक विकास की योजना, इन तीनों में फल, सागवाजी, मसाला, पुष्प एवं मौन पालन, ये हमारे कार्यक्रम जो है समाहित हैं इसमें। और इस पे जो है प्रति हेक्टेयर 40-50% तक अनुदान दिया जाता है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की स्थापना के लिए 80-90% अनुदान की व्यवस्था है। अम्बेडकर नगर से मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट।